हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। तो अभी इसके पहले अनलॉक टूल के अपडेट आया था, उसका वीडियो डाला, और ये आज ही इसका जो है UMT प्रो का QC फायर वर्जन 8.9 का अपडेट आ चुका है, जो कि गैलेक्सी S20 FE आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहा है, साफ साफ है। 18 तारीख को S20 FE, S20 प्लस, हुआवे X7, X9A एंड मोर। तो ये जो है क्वालकॉम का अपडेट है। अनलॉक टूल में MTK का अपडेट आया था, इसमें क्वालकॉम का है, क्वालकॉम CPU। अपडेट क्या है देख लेते हैं जल्दी से, ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं है। जो है वर्जन 8.9 QC फायर वर्जन 8.9। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं लेटेस्ट सेटअप का। यहाँ पे जो उन्होंने मॉडल ऐड किए हैं, ये तो वही, ये यहाँ से यहाँ तक जो ये लिखा हुआ है, ये पूरी महाभारत जो लिखी है, ये वही है जो उनका पहले से है कि क्या कर सकते हैं वगैरह वगैरह। यूनिवर्सल हुआवे ID, साउंड मिसाइल लोड मोड, ये सपोर्टेड फंक्शन है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे मॉडल जो उन्होंने बताए हैं ये है मॉडल, अल्काटेल मतलब नहीं है, CMCC ग्री हुआवे, यहाँ से हुआवे के चार मॉडल ऐड किए हैं, 8X, X45G, X7, X9A, ये सब क्वालकॉम CPU हैं। और टेस्ट पॉइंट से आप इनका एरेज FRP फैक्ट्री रीसेट कर पाएंगे। इन्फिनिक्स में S3, S3X दो मॉडल ऐड किए हैं। LG में G7 के सभी वर्जन ऐड कर दिए हैं, G7 में जो अलग अलग वर्जन आते हैं वो सभी ऐड कर दिए हैं। और Lenovo में Legion 2 Pro, और Meizu में 16S, Motorola में G Power, OnePlus में 5T, और Oppo में Find 7A, और Samsung में Galaxy Book 2, J4 Plus, J6 Plus, यहाँ पे बाइनरी लिखी हुई है, U4 तक का सपोर्टेड है इसमें, J4 Plus U4 और J6 Plus U5। ये वीडियो आएगा आप समझ जाएंगे बाइनरी क्या होता है, क्योंकि सैमसंग जो है अपनी बाइनरी पे चलता है, जैसे जैसे अपडेट होता जाता है। जहाँ से U4 है, अगर यहाँ पे U5 हुआ तो हो सकता है फिर वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे U5 है, यहाँ पे U6 हुआ फिर वर्क नहीं करेगा। और सैमसंग S20 FE 5G ये सपोर्टेड है, इसका आप अनलॉक कर पाए, ये FRP कर पाएंगे टेस्ट पॉइंट से। और S20 प्लस 5G ये भी क्वालकॉम CPU है, इसका भी सपोर्ट उन्होंने दे दिया है। ये यहाँ पे अलग हैं, ये अपने यहाँ पे यूज़ ही नहीं होते। Xiaomi MI3W ये ऐड किया है, एक मेन जो है वो है यहाँ पे, एडेड वीवो लोडर टू सपोर्ट राइट फॉर्मवेयर, वीवो V9 Y91 Y95। ये जो है इन्होंने लोडर इसका अपडेट कर दिया है, डेड हो रहे थे मोबाइल, एरर आ रहा था V9 में, Y91 Y95 में इसमें एरर आ रहा था, तो इसका इन्होंने लोडर अपडेट कर दिया है। और ये तीन मॉडल हैं, और यहाँ पे इन्होंने सेल वर्क ऑन ऑल वीवो डिवाइस यूजिंग फॉलोइंग लोडर, तो सभी वीवो के मोबाइलों में आप अगर CPU उसमें सपोर्टेड है तो आप ये चार लोडर इन्होंने दे के रखे हैं, ये आप ट्राई कर सकते हैं। PD1730 यही है जो V9 Y91 Y95 कहाँ पे, ये है रीड एंड टूल, वीवो के सभी मोबाइलों में, वीवो ये यहाँ पे Y95 और Y91 Y95 और एक और है V9, ये लोडर आप एक बार V9, ये लोडर आप इन पे लगा के आप अदर कोई मॉडल जिसमें यही CPU है वीवो के, आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। क्वालकॉम CPU है और सेम CPU है, तो आप ये लोडर लगा के वीवो के उस मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। जैसे वीवो का ये जिसमें V9 में जो CPU है वीवो के, क्वालकॉम CPU है, वही CPU वीवो के और किसी मॉडल में है, तो आप ये लोडर V9 सेलेक्ट करके उस मोबाइल को भी अनलॉक कर सकते हैं, इनका कहना यहाँ पे ये है। तो ये तीन मॉडल हैं, मतलब और यहाँ पे चार लोडर हैं, 8937 ये CPU है, तो ये चार लोडर हैं, आप चारों में से अगर वो CPU है तो आप वही लोडर सेलेक्ट कर लीजिए, V9 का सेम CPU है, तो आपका अनलॉक हो जाएगा। और एडेड मोटोरोला सिंगल इमेज एक्सट्रैक्ट इन मोटो बूट रिपेयर टैब, यहाँ पे मोटोरोला में सिंगल इन्होंने दे दिया है,
ये बूट रिपेयर सिंगल, ये है एक्सट्रैक्ट सिंगल इमेज, ये यहाँ पे टैप दे दिया। अपडेट हुआवे सिंग ऑटोमेटिक आईडी रीसेट सपोर्ट, न्यू डिवाइस ऑटोमेटिक अपडेट दे दिया। अगर हुआवे की आपको कोई भी आईडी हटाना है तो आपको मॉडल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रीअरेंज वीवो फास्ट बूट फंक्शन, फास्ट बूट फंक्शन को इम्प्रूव किया है वीवो के, जो यहाँ पर फास्ट बूट फंक्शन है ये यहाँ पर जे वाला, ये इन्होंने इम्प्रूव किया है इसलिए डार्क हो गया ये। और रीअरेंज फॉर्मेट हुआवे रीसेट फंक्शन, ये भी वही है, ये हुआवे वाला आईडी फंक्शन, ये इसको उन्होंने रीसेट किया है। तो कुल मिला के इन्होंने इम्प्रूवमेंट दिए हैं बहुत सारे। और जो यहाँ पे है ये वीवो के और सैमसंग के और ओप्पो के मॉडल ऐड कर दिए हैं जिनको आप अनलॉक कर पाएंगे वन क्लिक में टेस्ट पॉइंट से। तो ये था UMT का अपडेट। डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बस यही था, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।